हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग। तो फ्रेंड, जैसा आप लोग देख सकते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये देखो, आज इतना कोहरा नहीं है, कल तो पूरा दिन धूप नहीं निकली थी। इस टाइम शाम के 5:30 बजे हुए हैं और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे सारी ऋतुएं आती हैं। हम देश के ऐसे एरिया में बैठे हैं जो सभी ऋतुओं का हम आनंद लेते हैं। और वो देखो डैन, उधर डैन पूरी मस्ती में है। जब कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध थी तो वो भी बेचारा यहाँ पे आराम से बैठा रहा था, वो भी पूरा दिन हिला नहीं। और आज उसको थोड़ा रिलीफ मिल रहा है कि हाँ भाई, मौसम अच्छा है तो उसको वो भी इंजॉय कर रहा है। और इसी बीच आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, जॉर्जिया से हैं, मेरे देवर हैं। उन्होंने वहाँ पे शादी की है एक जॉर्जियन लड़की के साथ, तो वो भी आए हुए हैं, उनके बच्चे भी आए हुए हैं। तो आप लोगों को मैं उनसे मिलवाना चाहती हूँ। वो एक ग्रेट एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। एक्चुअली क्या है कि उनको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, और उस वजह से उनके साथ थोड़ा इंटरेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि बच्चों को किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है आपस में बात करने के लिए। ये लैंग्वेज तो हम जैसे बड़ों के लिए ही बनाई हुई है। वो इशारों से पूरी बातें कर लेते हैं और खूब इंजॉय कर रहा है अर्जुन उनके साथ। तो चलो मैं मिलवाती हूँ आपको। भी नहीं रही थी। ये देखो, ये छोटी सी बेटिया आई है। क्या इनका नाम पूछना भी हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। मेलिसा। इसका नाम है मेलिसा और मेलिना। इसका नाम है मेलिना। मेलिसा, मेलिसा क्या चल रहा है यहाँ पे? इसने बोला मैं भी करूँ। नहीं, ये मेरे सारे फ्लावर इसने तोड़ दिए फ्रेंड्स। ये देखो अर्जुन ने भी, और यहाँ पे एक पौधा लगा हुआ था, कल डैन को यहाँ पे बांधा था तो उसने वो सारा तोड़ दिया। क्यों क्यों भाई? मेलिना नो, नो मेलिना, नो बेटा, नो नो। कम कम, गेम गेम गेम। इनको समझाना भी इतना मुश्किल है। ये देखो वो फिर से वो मेरे पौधे को तोड़ दिया। मेलिसा, हिम, अरे उसको क्या नो, ये तो खुद यही तोड़ रही है। ये मेरे खेत को इन्होंने तबाह कर दिया। ये अर्जुन बचाने की कोशिश कर रहा है, उनको समझ तो आ नहीं रही है। डैनुआ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हैं जो जॉर्जिया से आए हैं और इनका नाम है मैरियम। मैरियम, हाँ हाँ। तो अब ये अपनी ही लैंग्वेज में आप लोगों के साथ बात करना चाहेंगी। हम इंडियंस को नहीं समझ आएंगी, बट इनकी लैंग्वेज वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ पे इनके लोग रहते हैं। तो बताइए आप कुछ हमारे देश के बारे में। नमस्ते। नमस्ते इन्होंने इंडिया में आने के बाद ही सीखा है। वंशिका ने एक दो चीज़ें इनके बच्चों को भी सिखाई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बताइए यहाँ के बारे में। मैंने भी ये बोल रहे हैं कि इनको हिंदी बहुत अच्छी लगी है इंडिया। मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है फ्रेंड, क्योंकि मैं बस इतना ही समझ पा रही हूँ कि ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि आई लाइक हिंदी और आई लाइक इंडियंस। आप कुछ भी समझ सकते हो। कामर चोपा, नमस्ते, მომწონს ყველაფერი, ძალიან კარგია ოჯახიც და ყველაფერი, კმაყოფილი ვარ ძალიან, ყველაფერი ძალიან კარგია, ну განსაკუთრებით ოჯახი რა თქმა უნდა। को अब दिखाने जा रही हैं। एक्चुअली इनके साइड में ना गाजर होती है ना मूली होती है। फर्स्ट टाइम इन्होंने यहाँ पे आने के बाद गाजर और मूली को खेत में इस तरह से उगते हुए देखा है। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी, इनके साइड में ना सूप बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, तो ये कह रहे थे कि मैं वेजिटेबल सूप ही बनाऊँगी। वैसे वहाँ पर मशरूम ज़्यादा होती हैं, तो लेकिन हम लोगों ने कल परसों ही मशरूम ज़्यादा खा ली थी, तो आज हमारी हिम्मत नहीं है कि हम मशरूम खाएं। तो आज हम सोच रहे थे कि गाजर का वो बनवाएंगे इनसे सूप, लेकिन वो कल बन पाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमने थोड़ी वीडियो लेट शूट की, बहुत रात होने वाली है। ये देखो आप, ये ड्रेस ये आज यहाँ से लेके आई हैं, ये बिल्कुल इंडियन ड्रेस में आपको दिखाई दे रही है, वहाँ इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते हैं। ये आज ही खरीद के लेके आई हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत प्रीटी लग रही है इसमें। और अब आप बताओ इनके बारे में।
ओ कर गया वाला फेसाट इस सखली आरिस इतना कर दिखाओ चलिए मगरी उमर तो कर गया लिखित आरिस खोरबाली इनके जो हस्बैंड है वो इनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में इनको बता रहे हैं कि आप वीडियो में क्या क्या बोलो वो मैं दिखाना चाहूंगी वो वहां से इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं खड़े होके कि इनको अपनी लैंग्वेज में क्या क्या बताओ क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रही है और वो हमारे बीच में एक ट्रांसलेटर का काम करते हैं उनकी हमारी बात इन तक पहुँचाते हैं इनकी बात हमारे तक पहुँचाते हैं तो ये देखो आप कि बहुत मुश्किल होता है इस तरह के रिलेशंस में लेकिन बहुत मज़ा भी आ रहा है फ्रेंड्स एक बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस है ये ओके बाय बोल दो ओके बाय बाय ओके बाय तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ थैंक यू